हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, जून के एंड में मतलब कि 27 जून को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था मूवी कल की 2898 AD, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिले थे। यहाँ पे कल की 2898 AD मूवी को लगभग थिएटर्स में रिलीज हुए 15 डेज कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 15 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे कल की 2898 AD मूवी का टोटल बजट लगभग 620 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 5600 के आसपास के स्क्रीन प्राइस किया गया था। चाहे इस मूवी को लेकर मार्केट में शुरुआत से तो अच्छा खासा हाइप था, और जब इस मूवी का ट्रेलर और प्रमोशन मटेरियल्स आए तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव होने के वजह से ऑडियंस इस मूवी को लेकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। इसके चलते इस मूवी के इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी हमें अच्छा खासा एडवांस टिकट बुकिंग देखने को मिला था। जहाँ पर इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से ही 92 करोड़ के आसपास का ऑल लैंग्वेजेस में नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में हमारे इंडिया से ही 21 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया था। इसी के साथ मूवी ने ओवरसीज से भी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 60 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी का रिव्यू काफी अच्छा निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी हमें इंप्रेसिव तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे कल की 2898 AD मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 14 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से ऑल लैंग्वेजेस में लगभग 527 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका था, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही 215 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है। इसी के साथ मूवी के 14 डेज का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 812 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने डे 15 को लगभग हमारे इंडिया से 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के आसपास का अपने डे 15 को कलेक्शन किया है। और इस मूवी के डे 15 का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 7 करोड़ से लेकर 9 करोड़ के आसपास का है। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 14 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे कल की 2898 AD मूवी अपने रिलीज होने के 15 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से ऑल लैंग्वेजेस में 532 करोड़ से लेकर 533 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर चुका है, जिसमें कि इस मूवी के सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का ही 15 डेज का जो कलेक्शन है लगभग 217 करोड़ से लेकर 218 करोड़ के आसपास का है। और इस मूवी के 15 डेज का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 819 करोड़ से लेकर 821 करोड़ के आसपास का चला जाता है। तो उस हिसाब से इस मूवी का टोटल बजट तो लगभग 620 करोड़ के आसपास का ही था, और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेना था तो इसे 750 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ता, जो कलेक्शन तो मूवी एक तरीके से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट कर ही चुका है। और अभी भी जिस तरीके का इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो मैं कंफर्म कह ही सकता हूँ कि इस मूवी का जो ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होगा वो 1000 करोड़ के आंकड़े को तो पार करेगा ही। जो कलेक्शन ये मूवी कितनी जल्दी करता है वही चीज अभी के टाइम पे देखने वाली बात होने वाला है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर इस मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।